जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज सीडीएसएल स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो शेयर मार्केट से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है। जो अपन अकाउंट ओपन करते हैं, डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, और डीमेट अकाउंट का ओपन करने के बाद में अपन जो स्टॉक बाय करते हैं वो डिपोजिटरी संस्था सीडीएसएल के पास में जाता है। दो ही संस्था है, सीडीएसएल और एनएसडीएल। तो सीडीएसएल मार्केट में लिस्टेड है, एक मोनोपोली बिजनेस मॉडल है। इसका 1-1.5 महीने पहले एक बार मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। इसका लगभग आप देख सकते हो 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, सीडीएसएल शेयर में क्या गिरावट आएगी, इंपॉर्टेंट लेवल कब बाय करना चाहिए। अब देखिए, 1 महीने पहले हमने डिस्कस किया था, मेरे को क्या चार्ट पे दिखा था 1 महीने पहले, आप देख सकते हो। अभी मार्च चल रही है, तो हम शायद फरवरी फरवरी की बात थी, तो फरवरी में कहीं यहाँ पर ट्रेड कर रहे थे, मतलब 1900 के लगभग या 1800 के लगभग ट्रेड कर रहे थे, एग्जैक्ट पता नहीं है। इस लेवल पर हम डिस्कस कर रहे हैं, जो साथी पहले से जुड़े उनको पता है। उसमें हमने डिस्कस किया था कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जहाँ पर आएगा तभी हम बाइंग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो लेवल दोस्तों आ चुका है, इसमें आप देख सकते हो कि एक अच्छी गिरावट आई, और गिरावट का हमने देखिए मंथली टाइम फ्रेम में एक पैटर्न बना था, क्या पैटर्न बना था, एम पैटर्न बना था, डबल टॉप पैटर्न बना था, और उसके बाद में देखो डबल टॉप पैटर्न बना, एम पैटर्न बना, और उसका लगभग टारगेट आ चुका है। एग्जैक्ट उसी के लेवल में एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ, एग्जैक्ट उसी ट्रेड लाइन के पास में एक जोन बनाया था हमने, उस जोन के पास में आ गया है। ये देखिए, ये जोन मैंने इस जो था हाई उसका टॉप लिया था, और दूसरा हमने एक जोन बनाया था कि इस लेवल पे इस जोन है, तो मतलब 1600 से लगभग 1400 से 16 मतलब 1400 कितना है ये 1450 से लेके और 1600 के लगभग तक इसमें आने की पॉसिबिलिटी थी। तो एग्जैक्ट मानेंगे तो यहाँ पर आ चुका है। अभी आज के टाइम में देखेंगे तो इसमें 5% का एक अच्छा मूवमेंट आया है, बाउंस बैक आया है, ठीक है। तो अगर इसमें इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या अभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसको समझ, या जो पहले से इन्वेस्ट है उनको क्या करना चाहिए, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। इसके बिजनेस मॉडल को भी समझेंगे, तो इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसके मार्केट में लिस्टेड कब हुआ था, ये मार्केट में लिस्टेड हुआ था जुलाई 17 में। इसके बाद में एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड की बात की जाए तो लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे, एक ट्रेड लाइन का इसका रेजिस्टेंस ले रहा था ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके कोविड के टाइम सपोर्ट लेके, फिर ये एक अच्छा मूवमेंट अप ट्रेंड में आया। अप ट्रेंड में अपन डिसाइड कर किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहे थे, इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहे थे, और एक अच्छा मूवमेंट आया, अच्छी रैली आई, उसके बाद में वापस एक डाउन ट्रेंड आया। डाउन ट्रेंड में आप देख सकते हो कि डबल टॉप पैटर्न बनाने के बाद में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बने, और यहाँ पर ट्रेंड चेंज यहाँ पर हुआ। ट्रेंड चेंज आप देखिए, ट्रेंड चेंज कब होता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनता है डाउन ट्रेंड में, तो यहाँ देखिए ये लेवल चेंज था, लगभग 1200 मान लीजिए 1300 पर इसने देखो ब्रेकआउट किया और वापस पुल बैक पैटर्न आया। एग्जैक्ट देखो पुल बैक पैटर्न आके फिर अच्छी मूवमेंट दे दिया, और एक रेजिस्टेंस के लगभग मतलब डबल हो चुका था ये, और यहाँ से बात करें तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ में करते हैं। देखिए ये भी बता देता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से रिवर्स किस तरह से हुआ था, ये देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट 50% की रिट्रेसमेंट से रिवर्स हुआ और एक अच्छी रैली थी वो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर एक कोई भी स्टॉक अगर 800 रुपये का स्टॉक है और 2000 चला गया, लगभग मतलब ढाई गुना डबल से ज़्यादा हो गया, ढाई गुना हो गया, तो एक बार उसको प्राइस को एडजस्ट होना ज़रूरी होता है। अगर वो प्राइस को एडजस्ट करेगा तब भी अच्छा मूवमेंट आ पाएगा, उसमें अच्छी बाइंग कोई भी प्रॉफिट बुकिंग करेगा वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, तो उस तरह से वो करने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो एग्जैक्ट हमने डिस्कस किया था उसी लेवल पर आ गया। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बेस्ट टाइम है यहाँ बाइंग, लेकिन अगर थोड़ा बहुत अपने को नीचे नीचे मिल जाता है, ये एक बार ये लेवल है 1550 के लगभग, एक बार इस लेवल पे आपको बाइंग टीआरसी भी, अभी देखो आज हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न टाइप का बना है, मार्केट क्लोज भी हो चुका है। अगर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न प्रॉपर नहीं है, हैमर थोड़ा बहुत वीकली टाइम फ्रेम है, तो कल का दिन बचा हुआ है, देखिए कल हैमर बना था, ठीक है। एग्जैक्ट माने तो कल हमने देखे, कल एग्जैक्ट हमने हैमर एक बाइंग टीआरसी भी बना था, डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बना, एम पैटर्न बन गया, तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इस लेवल पे 1600 पर हैमर पर कैंडलस्टिक पैटर्न बन गई थी। पहले डिस्कस किया था कि इस पे आने पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, एग्जैक्ट आके हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, कल हमें ध्यान में नहीं रहा, आज हमने देखा कि 5% का मूवमेंट है, किस लेवल पे आया, तो देखा तो वो एग्जैक्ट हमने डिस्कस किया था उसी लेवल पे था। तो यहाँ पर देखो कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। अब अगर आपको थोड़ा बहुत नीचे, अगर समझ लीजिए कोई थोड़ा बहुत करेक्शन में थोड़ा बहुत नीचे कंसोलिडेट फेज में आता है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी करने का एक अच्छा मौका है, इसमें सही जगह पर अवेलेबल है। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये जो आज ग्रीन कैंडल बनी है, कभी कभार क्या होता है, जैसे होता है एक बाउंस टाइप का होता है,
और ये अगर फेल भी हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कल इसमें थोड़ी बहुत करेक्शन आ भी जाती है, तो भी अगर ये लेवल है इस जोन के अंदर कहीं भी मिले, इस जोन के अंदर अगर मान लीजिए यहाँ पर भी मिल सकता है थोड़ा बहुत, अगर नीचे की 1500 लास्ट है इसका 1550 के लगभग, हमने इसका थोड़ा सी 1550 के लगभग लेवल बचा हुआ है, तो इस लेवल पर भी आ सकता है अगर आता है तो, नहीं तो इसी लेवल पर हमने जो एग्जैक्ट बात की थी वो लेवल आ चुका है, थोड़ा बहुत बचा है तो अगर आना चाहेगा तो आ सकता है, तो उस लेवल पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन ध्यान दीजिए एक बार ये कंसोलिडेट फेज होने की पॉसिबिलिटी बनती है इसकी, ठीक है, इसके डबल टॉप पैटर्न बना लेकिन कंसोलिडेट होगा, प्राइस को एडजस्ट करना होगा 2-4 महीने के लिए, बाद में इसमें अच्छी एक मूवमेंट रैली आ सकती है, कोई पैटर्न बनता है, लेकिन लेवल हमने डिस्कस किए उसी लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब देखिए थोड़ा फंडामेंटल देख लेते हैं, किस तरह का फंडामेंटल है इसके, ये CDSL की साइट है, उस पर जाके आप देख सकते हो डिमांड। इसका बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो ब्रीफ में बिजनेस मॉडल हम देखिए समझते हैं कि जो अपन अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है, जैसे जरोदा हुआ या फिर बाद में एंजल का हुआ, अब स्टॉक का हुआ, अब इनकी डिपॉजिटरी सस्ते जो स्टॉक बाय करते हैं अपन, तो ये इसकी डिपॉजिटरी संस्था के पास जाते हैं, CDSL के पास में वहाँ जमा होते हैं, दो ही है CDSL के पास में या NSDL के पास में, तो CDSL के पास में वहाँ पर जमा हो जाते हैं। जिस तरह से बैंक में अपन अलग अलग बैंक में पैसे जमा कराते हैं, उसी तरह से CDSL और NSDL में अपने स्टॉक जो बाय करते हैं वो इनके पास में जमा होते हैं। एक दो दिन बाद में आप जैसे बाय करते हो तो आपके पास में एक मैसेज आता है CDSL की तरफ से कि आपके ये इतने जो स्टॉक है वो बाय किए गए, अपन सेल करते हैं तो सेल किए गए। अब इसकी देखिए 1999 में इसकी कंपनी की स्थापना हुई थी, और ये अपन सेंट्रल डिपॉजिटरी पार्ट ऑफ द और दूसरी सर्विसें भी प्रोवाइड करवाते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, और बाद में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो भी करते हैं, इंश्योरेंस का भी है थोड़ा बहुत, तो अलग अलग है, वो जाके थोड़ा सी साइट पे भी देख सकते हो। इसका देखिए मार्केट कैप की बात की जाए तो 18,403 करोड़ का, करंट प्राइस की बात करें 1761 है, हाई गया इसका 2067 है, लो गया 881 है, स्टॉक पी ए 52 है, ROC इसका 30% है, ROE इसका 23% है, फेस वैल्यू इसकी 10 है, ये इस तरह की इसका सिस्टम है। अब अपन बात कर लेते हैं शेयर होल्डर, क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से है। क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे होने के बाद में भी गिरावट आई, किस वजह से आई वो हमने डिस्कस किया कि प्राइस को एडजस्ट होना। कभी कभार देखा होगा कि क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आने के बाद में भी गिरावट आती है कई स्टॉकों में, तो क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग पहले से हो चुकी है, मतलब पहले से बाइंग हो चुकी है, वो अपन क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं और फिर डाउन आ जाते हैं, वो तो प्रॉफिट बुकिंग होती है। सेल एक्सपेंडिचर नेट प्रॉफिट देखेंगे जून सितंबर दिसंबर का, जून का कितना 150, 207 और 214, एक्सपेंडिचर कितना है 70, बाद में 79 है, फिर 84 है, और नेट प्रॉफिट बात करें अदर इनकम का सोर्स 2 करोड़ का कम हुआ है, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखिए कितना है 74 है, बाद में 109 है, बाद में 107 है, थोड़ा बहुत कम आया इसमें। कम क्यों आया 2 करोड़ का, किस लिए कि इसका 21 हो गया 2 करोड़, तो ये और इसमें देखिए ये OPM है ना टैक्स इसका, एक सेकंड, टैक्स का भी कितना है इसमें, एक चीज़ है कि टैक्स इसमें 25 की जगह 26% लग गया, इस वजह से थोड़ा सी और कम आ गया है, नहीं तो देखो पहले ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स तो पहले बराबर था ही। अब देख लेते हैं, देखिए अब इसमें बैलेंस शीट की बात करें, इक्विटी कैपिटल कितना 104 है, फिर बाद में रिजर्व इसके पास में 1122 है, बाद में बोरोइंग कर्जा इसके पास 2 करोड़ का है, कोई कर्जा देखिए कोई नहीं है, एकदम क्लीन वाली बिजनेस मॉडल है। बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास में होल्डिंग 15% है, FIs की 18%, DIs की 21 है, पब्लिक की पास में होल्डिंग देखो 45% है, बहुत ही शानदार होल्डिंग है, और 7 लाख लोगों ने मतलब कि 7 लाख और 77,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। अब देखिए वीडियो ज़्यादा अपन बड़ा डिस्कस नहीं करेंगे, बस इंपॉर्टेंट लेवल में इतना ही बताना चाहता था कि जो पहले हमने डिस्कस किया था उस वीडियो में, अब देखिए आप जाके देख सकते हो उस वीडियो को, ये CDSL में 1 महीने के पहले इसमें 256 व्यू आए हैं, तो आप उसको देख सकते हो कि कहाँ पर अपने बाइंग अपॉर्चुनिटी लेवल हमने डिस्कस किए थे, तो उस लेवल पर अपन ये। अब अगर समझ लीजिए थोड़ा बहुत नीचे आता है किसी भी कंडीशन से, तो अपन एक बार इसके और लेवल में ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट नहीं होता, अपन ने मान लिया आ तो गया, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे की तरफ और आए, तो ये तो थोड़ा बहुत क्या, ये बहुत ट्रेड लाइन तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक सेकेंड, ट्रेड लाइन में और ड्रॉ करता हूँ एक दूसरी, इस तरह से ये इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले रहा था, ठीक है, तो अगर आना होगा तो इस ट्रेड लाइन को देखिए, यहाँ से सपोर्ट है ये लेवल सपोर्ट लिया, तो इसी लेवल पे एग्जैक्ट इस ट्रेड लाइन के पास में भी आके बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कभी जल्दबाजी में मत करना कि आज 5% का लगा तो कल 10% लगा, कभी भी नहीं होता, एक बार आपको प्राइस को एडजस्ट होना होगा तो कंसोलिडेट करेगा इसको, ठीक है। लेवल कहाँ एक्यूमुलेट करने का, और लेवल हमने डिस्कस कर लिए 15 और 16 के लेवल में कभी भी मिले तो उसमें बाइंग कर सकते हो। अभी हमने डिस्कस कल किया था, वहाँ एग्जैक्ट आया था लेकिन नहीं बाइंग किया, किसी ने पहले अगर बाइंग किया होगा तो वो अलग चीज़ है,
तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। आने वाले 2-3 साल के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। प्राइस एक बार कंसोलिडेट हो सकती है, लेवल सभी सही जगह पर आ चुका है। थोड़ा बहुत अगर 50-60 पॉइंट या लगभग मैक्सिमम मान लीजिए 70-80 पॉइंट पर आना चाहे तो उस लेवल से आप नीचे की तरफ आ सकता है। और वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों हर फ्राइडे सैटरडे संडे को 8 से 10 में लाइव आता हूँ, जिससे कि हम डिस्कस करते हैं स्टॉक के सभी सेक्टर के स्टॉक के बारे में। और संडे को एक क्लास टाइप की होती है, जिससे कि हम बेसिक टू एडवांस स्टेप बाय स्टेप चल रही है, 5 क्लास हो सकती है, 6ठी क्लास होगी तो उसमें जुड़ सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।